हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम एक छोटे से टिप के बारे में बात करेंगे कि सिविल 3D में हम सर्कुलर अलाइनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन या आर्क्स, इनकी मदद से अलाइनमेंट क्रिएट करते रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का केस है, यानी किसी राउंड अबाउट वगैरह के लिए, जैसे ये देखें एक सर्कल है, हमने इसके ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाके अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? जो अलाइनमेंट फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ लाइन, आर्क, पॉली लाइन या फिर एक्स रेफ जो है वो रीड होता है, जबकि ये हमारे पास एक सर्कल है। इसके लिए हम अलाइनमेंट पे जाएंगे और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, इसको सेलेक्ट करें। यहां पे ये सारी चीजें जो पहले हमने डिस्कस की हैं, आप नेम, सेंटर लाइन, इसका टाइप, ये सारी चीजें यहां पे डिफाइन करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये अलाइनमेंट लेआउट टूल का टैब आ गया है। नॉर्मली हम अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए ये अपने फर्स्ट आइकन में जाते हैं, लेकिन इस स्पेशल केस में हम ये आइकन यूज नहीं करेंगे। हम यहां पे आएंगे जो कि हमारा कर्व्स का आइकन है, इस पे क्लिक करें। ये सेकंड ऑप्शन है मोर फिक्स्ड कर्व्स, इस पे जाएंगे। यहां पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है फिक्स कर्व सेंटर पॉइंट और थ्रू पॉइंट, क्योंकि हमने इसी सर्कल को अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम ये ऑप्शन लेंगे सेंटर पॉइंट थ्रू पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे हमको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्लॉकवाइज ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसके बाद आ रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, कि जिस पॉइंट में के थ्रू आपने कर्व को क्रिएट करना है वो सेलेक्ट करें। तो हमें एग्जैक्टली ये सर्कल को ही कन्वर्ट करना है, हम सर्कल के ऊपर ही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से मैं सर्कल के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करके इंटर करेंगे, ये देखें हमारी अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। देखें इसके ऊपर हमारे चेंजेस जो हैं, इसमें जो हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो एक ही लोकेशन पे आएगा, क्योंकि जहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके वो क्लोज हो रहा है। ये देखें यहां पे हमारे पास दो लेबल है, अगर हम इसको ड्रैग भी करते हैं तो ये दोनों ओवरलैप है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट के दोनों लेबल्स हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट टिप कि सिविल 3D में हम सर्कुलर अलाइनमेंट अपना किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।